देख रहे हैं क्राइम ट्यूडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम ट्यूडे न्यूज, हैदराबाद। गच्ची बोली शेरी लिंगमपल्ली एनटीआर बस्ती की गरीब आवाम एक अरसे दराज से ड्रेनेज के गंदे पानी और नाकस इलेक्ट्रिक सप्लाई से बेहद परेशान है। ये मुकामी आवाम GHMC और मुकामी लीडरों को बारहा इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। आखिर में बस्ती की आवाम ने क्राइम टुडे न्यूज़ के नुमाइंदे शेख आसिफ से रुजू होकर अपनी बस्ती के मसाइल का तस्करा किया। मुतालुका लीडर्स और GHMC को चाहिए कि अपनी बेफिक्री की नींद से जग जाएं और गरीब आवाम का ताउन करें। शेख आसिफ के साथ मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अच्छा। बोर का पानी, मोरिया का पानी, हर पानी। बच्चे खेल रहे तो मोरिया में से नीचे गिर को पड़े तो आंसो हो रहा। मैं कल जाते जाते मैं परसों गिर गई हूँ। अच्छा। पैर फिसल के। अच्छा। वहाँ से वो गजेंगे बोले तो एक नाले के सरका होगा वो। ये क्या है, कोई लीडर सुनता नहीं, कोई आके। ये महीना हुआ, 4 महीने हुआ लाइट बंद हो के, वो लाइट को बराबर नहीं कर रहे। गलिया में है क्या नहीं है, ये दो दो दिन को चोरी, एक दिन में दो दो घर चोरी हो रहे हमारे बस्ती में। ये मोरिया सही नहीं है ना, लोग सही नहीं है। लीडर लीडर को बोले आप? लीडरों को बोले बोले क्या बोले? कर रहे हमें, कर रहे बोले। करा है फिर कुछ भी काम? क्या करे, ये नाला का चेता करा सो घरे घर। ड्रेनेज लाइन का होने हुआ कुछ? ड्रेनेज लाइन का नहीं, अभी क्या भी नहीं। वहाँ वो मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग में भी बोली मैं ऐसा, हमारे घर के सामने मोरिया सही नहीं है, नालियां का पानी जा रहा, बच्चे गिर रहे, नमाज को जाते ही करते हैं। और उसके बाद में लाइट नहीं है बोले, लाइट डाले वो आ रही है नहीं आ रही नहीं पूछे, क्या भी केयर नहीं है ये यहाँ पे। क्या नाम महल्ले का? NTR नगर। वालेकुम भाई, मेरा नाम है सैयद आसिफ, मैं NTR नगर में रहता हूँ। हम लोग को यहाँ पे बहुत ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, रोज लीडरों को भी बोल बोल के परेशान हो गए, लीडरों से भी बोले तो आजकल बोल के फिरा रहे। ये तो सालों से है बहुत मोरी का प्रॉब्लम, मगर हम लोग को अभी रमजान में भी करते बोल के नहीं करे। अभी हम लोग को रमजान शुरू हो जब से बोलते जा रहा हूँ, रमजान खत्म होने आ जा रहा, मगर कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे हम लोग को। बता, बोल बोल के बेजार हो जा रहे, फतरा डाल के फिर रहे, बहुत परेशानियों से फिर रहे यहाँ पे। लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही, मगर लोगों भी बोले तो लोगों भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। हमारे बस्ती के यहाँ पे बड़े लोग भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, किन के घरों का नहीं, और लोग साफ कर ले रहे। पूरे पब्लिक को तकलीफ हो जा रही, यहाँ पे बोलने से भी बहुत परेशानी हो रही है। लीडरों को भी बोले तो भी रोज फिरा रहे, उनको बोलो इनको बोलो, गाड़ी नहीं बनी, गाड़ी बनाना है। बात करें तो कुछ तो भी है, उसका रीजन निकालते जा रहे भाई, मगर कोई काम ना होते जा रहा है यहाँ पे। बोल हमको ये काम होना बोल के, हमको एक छोटा सोल्यूशन रमजान तक तो भी निकाले सर का, काम होना बोल के हमको परेशानी हो रही, नमाजों को जाने के वास्ते भी बोल के हम लोग इतना बोलना पड़ रहा, हम लोगों को बोल बोल के बेजार हो जा रहे, मगर कोई काम होने का काम नहीं चल रहा यहाँ पे। बोले लीडर को भी बोले आप? हाँ, लीडर को भी बोले भाई, मगर लीडर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लोग आजकल बोल के फिरा रहे। क्या तकलीफ हो रही है? पूरा यहाँ मोरियों का प्रॉब्लम बहुत है भाई यहाँ पे, मोरियाँ दरअसल पानी, पैदल चलने के वास्ते रोड पे पूरा मोरी का पानी है, नमाज को जाने तकलीफ हो रही। अब नमाज को भी जाना हो तो मोरियों के पानी में से जाना पड़ रहा, यहाँ कुछ भी सोल्यूशन नहीं बता रहे लोग। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे भाई यहाँ पे? कुछ भी नहीं भाई, अपा ये मोरियों का सोल्यूशन कुछ भी एक निकालना यहाँ पे, मोरियों का अपने फिलहाल टेम्पररी सोल्यूशन तो भी निकाल के देना बोल के, हमारे हम लोग की तकलीफ सॉल्व कर दे तो बस है भाई। अब ये थोड़े दिन के वास्ते के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद आसिफ है भाई, NTR नगर में रहता हूँ। कौन सा मंडल है ये? शेर लिंगमपल्ली मंडल है। ठीक है। सच की तलाश करना, क्राइम ब्यूरो न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।